क्या आपका कंप्यूटर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है दोस्तों? पावर केबल लगाने के बाद और पावर स्टार्ट बटन को बार बार प्रेस करने के बाद भी आपके कंप्यूटर में कोई भी लाइटिंग नहीं जल रही है, कोई भी फैन ऑन नहीं हो रहा है, SMPS भी ऑन नहीं हो रहा है, और यानी कि कंप्यूटर चालू ही नहीं हो रहा है। ये वीडियो देख लीजिए, आपको मैं एक एक करके सारे पार्ट्स में क्या क्या दिक्कत आ सकती है और कैसे आप अपने कंप्यूटर को वापस चालू कर सकते हो ये जरूर बताऊंगा दोस्तों। और तो देखिए दोस्तों, यदि आपका कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है तो इसके अंदर यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यदि आपका कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है बार बार पावर बटन दबाने के बाद भी, तो सबसे पहले हमें हमारा SMPS चेक करना होता है दोस्तों, यानी कि ये देखना है कि कहीं हमारा SMPS तो खराब नहीं हो गया है दोस्तों। तो सबसे पहले SMPS को चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, कि हमारे लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, एक कोई भी आपके पास पावर केबल या डोरी जिसे हम कहते हैं दोस्तों, उसका एक टुकड़ा लेंगे और उस टुकड़े को दोस्तों इस तरीके से मोड़ के ऐसे कुछ बना लेना है दोस्तों। किसी भी प्रकार की डोरी आप केवल एक ले सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पावर केबल वाला जो हिस्सा, ये जो कंप्यूटर की मेन पावर केबल है दोस्तों, जो पूरा का पूरा SMPS में अंदर जुड़ा हुआ होता है यहाँ पे, ये इसको यहाँ से आप लोगों को निकाल लेना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब आप इसको ऐसे निकालेंगे पीछे की साइड से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ही ग्रीन वायर दिखाई देगा आपको, इसमें पूरे में आपको सिर्फ एक ही ग्रीन वायर दिखाई देगा जो कि ये है केबल। यानी कि इस ग्रीन वायर वाले चार नंबर वाले हिस्से को खोजना है आपको, यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ये चार नंबर है दोस्तों। अब आप जानते हैं हर पीसी में ये मिलेगा आपको, किसी भी पीसी हो, कौन सा भी SMPS हो दोस्तों, आपको ये चार नंबर पे ग्रीन वायर मिलेगा ही मिलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। तो आपको SMPS यदि चेक करना है दोस्तों, तो इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, कि एक जो आपका ये वायर है, एक तो डालना है नंबर चार में, और नंबर चार के अलावा जो दूसरा हिस्सा है वो आप इसमें डालेंगे पांच या छह नंबर में दोस्तों, किसी भी एक हिस्से में डाल के देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं, आपको यहां से चेक करके दिखाता हूं कि क्या मेरा SMPS चालू है या नहीं है दोस्तों। तो देखिए, एक हिस्सा तो डोल तो मैं डाल रहा हूं यहां पर चार नंबर वाले हिस्से में, और दूसरा हम डालेंगे पांच या छह नंबर वाले हिस्से में। तो सिंपली इसके लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये जो वायर वाले हिस्से हैं इनको इसमें डाल दे रहे हैं, और देखिए मैं इसमें चार नंबर में डाला और एक मैंने पांच नंबर में डाला दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों, आप वॉइस भी सुन रहे होंगे, और ये जो मेरा SMPS का फैन है दोस्तों, ये स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है मेरा SMPS तो चालू है दोस्तों। अब इस पावर केबल को तो वापस यहां से लगा देना है, इसका मतलब SMPS तो चालू हो चुका है दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पावर केबल को तो वापस से यहीं पे ऐसे लगा दे रहा हूं दोस्तों। अब देखिए, अब इस SMPS को चेक हो गया पूरा, बिल्कुल चेक करने के बाद इसको हमको ऐसे वापस से फिट कर देना है दोस्तों। अगला हमारा जो काम आ जाता है दोस्तों, हमको ये देख लेना है कि हमारे बोर्ड पे लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। किसी किसी बोर्ड में आपको यहाँ पे एक बल्ब दिखाई देगा दोस्तों, छोटा सा, ये स्टैंड बाई का बल्ब जिसे हम कहते हैं, ये आपको दिखाई देगा। यदि ये जल रहा है तो इसका मतलब है आपके बोर्ड पर तो लाइट आ रही है। अगला जो हमारा काम होगा दोस्तों, वो काम होगा कि हमारा ये जो रैम है दोस्तों, एक बार इसको निकालना है, निकालने के बाद इसको अच्छे से साफ करना है किसी कपड़े से, आराम से बिल्कुल, और इसको वापस से लगा देना है दोस्तों। इसको लगा देने के बाद एक और चीज मैं बता दूं दोस्तों, आपको अगला काम क्या करना है दोस्तों, अगला आपको जो काम करना है, यदि ऐसे भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है तो हम देखेंगे कि हमारा कहीं पावर बटन ही तो खराब नहीं है दोस्तों। और एट लास्ट मैं आपको मास्टरपीस बताने वाला हूं जो कि मेरे साथ हुआ था और उसकी वजह से मेरा पीसी चालू नहीं हो पा रहा था। अब आप यहां पर देख रहे होंगे दोस्तों, नीचे कोने में यहां पर ये जो आपको चार ये दिख रहे हैं हिस्से दोस्तों, इनमें क्या होता है दोस्तों, ये आपके पूरे के पूरे नेक्स्ट फंक्शन है। कहने का मतलब आप लोगों के जो अगला वाला पैनल है दोस्तों, इसको पूरा का पूरा तरीके से चालू करने का काम इनके पास रहता है। यदि मैं ये पिन आपको निकाल के दिखाऊं दोस्तों, तो ये टोटल चार पिन होती है दोस्तों, एक आपकी LED लाइट की, एक आपके पावर की दोस्तों, एक आपका जो निचले वाला हिस्सा होता है ये पावर SW की होती है दोस्तों, रीसेट वाली, और एक जो होती है आपकी ये पावर LED, यानी कि आपका जो बटन है दोस्तों उसकी ये लाइटें होती है। इन चारों लाइटों में ही आपको चेक करना है, कौन सा वाला हिस्सा चेक करना है दोस्तों, आपको चेक करना है दोस्तों ये जो पावर SW जिस पे लिखा हुआ होता है, आप यहां अगर पढ़ेंगे तो आप यहां देखेंगे दोस्तों, इस पे पावर SW लिखा हुआ है और ये बिल्कुल नीचे वाले कोने में लगी हुई थी। यदि मैं इसको शॉर्ट करके देखता हूं,
किस चीज से सॉर्ट करूंगा दोस्तों, मैं उसी चीज से सॉर्ट करूंगा इसको दोस्तों जो कि मैंने ये बनाई थी दोस्तों। यदि मैं इसको इससे सॉर्ट करने की कोशिश करता हूं और यदि मेरा पीसी स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि मेरे पावर बटन में प्रॉब्लम है, आपको पावर बटन को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। अगला जो मास्टर पीस मैं बताने वाला हूं दोस्तों, एक बार आपको आपका जो ये बायोस चिप जिसे हम बटन कहते हैं, जिसे हम सेल कहते हैं दोस्तों, ये भी जरूर चेक कर लेना है। इसको एक बार आपको निकालना है और निकालने के बाद इसकी जगह दूसरा सेल लगा देना है दोस्तों को नया, और यदि इसमें प्रॉब्लम होगी तो इसकी वजह से भी आपका पीसी कभी कभी स्टार्ट नहीं हो पाता है, जो कि मेरे साथ हुआ था दोस्तों। मेरे पीसी में ये खराब था तो बायोस स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से मेरा पीसी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा था दोस्तों। तो अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, आपने रैम चेक कर ली, आपने पावर केबल चेक कर ली, एसएमपीएस चेक कर लिया, बोर्ड पे लाइट आ रही है वो चेक कर ली, और आपने ये भी चेक करके देख लिया दोस्तों आपका जो बायोस सेल है दोस्तों, ये भी चेक करके देख लिया आपको अपने पावर, इन सारी चीजों को, इन चारों पॉइंट है जो आपके पावर फ्रंट पैनल के दोस्तों, इनको वापस से लगा के जरूर देखना है इनको, और इनको लगाने के बाद आपको वापस से अपना एक बार पावर बटन जरूर दबाना है, और यदि पावर बटन दबाने के साथ चालू हो जाता है तो इसका मतलब है आपके बायोस चिप में या रैम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी दोस्तों। इसके बाद भी यदि आपको पावर बटन अपना चेक करना है दोस्तों, तो इस तरीके से वो लेके और जिस जगह मैंने आपको पावर एसडब्ल्यू बताया दोस्तों, उसको आप यूं शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट करने के बाद भी यदि एक बार आप स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो आप यहां देखेंगे कि मेरा जो फैन है वो स्टार्ट हो चुका है, मेरा जो पीसी है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है, और मेरा पीसी बिल्कुल भी रनिंग कंडीशन में आ चुका है दोस्तों। और अगर मैं आपको डिस्प्ले दिखाना चाहूं दोस्तों, तो आप यह देख सकते हैं कि मेरी जो डिस्प्ले है दोस्तों वो ऑन हो चुकी है, इस पे विंडो स्टार्ट का ऑप्शन आ चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने पीसी को बिल्कुल भी अच्छे ढंग से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, यदि कोई प्रॉब्लम आपको आ जाती है पीसी को स्टार्ट करने के अंदर यदि दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर आपने जाना कि यदि आपके पीसी को स्टार्ट नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम आपके पीसी में आ गई है दोस्तों, तो आप उसे किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद।